Good morning, students. We have completed our chapter 15 and I hope you have written part D and part E in your notebooks. So today I am going to explain part E so that you can learn part E in a nice way. The first question is, describe the contribution of Indo-Greek. Indo-Greeks ka contribution kya raha हमारी इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में. व्हाट दे डिड फॉर अस, द फर्स्ट वन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ नाट्य शास्त्र, कॉइनेज, स्कल्पचर, फिलोसफी एंड ट्रेड. इंडो ग्रीक इंडिया में उन्होंने क्या, किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया, वर्क किया. दे वर्क फॉर नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र मीन्स जो प्ले करते हैं हम, ठीक है, प्लेज होते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो वर्क किया जाता था, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया. कॉइनेज, न्यू कॉइन्स बनवाए. स्कल्पचर, स्टैचूज बनवाए. एंड फिलोसफी, डीप थिंकिंग. एंड ट्रेड मीन्स बिजनेस. ओके, इन सब फील्ड में ग्रीक्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया. ग्रीक मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. आर्ट और आर्किटेक्चर पर भी ग्रीक्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला. एज वी नो दैट द स्टैचूज और द स्कल्पचर्स दैट मेड इन इंडिया वर ऑफ इंडियन पीपल. वो इंडियंस के थे, जो इंडियन फेमस लोग थे उनके स्टैचूज बनाए जाते थे. बट स्टाइल वॉज ग्रीक. उनको बनाने का तरीका, उनके फीचर्स, हेयर, ये सब चीज़ें, ठीक है, दीज वर ग्रीक. ये ग्रीक स्टाइल की थी, उनकी लुक ग्रीक लोगों जैसी आती थी. थर्ड इज दे इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कर्टन ऑन द स्टेज. हमने देखा है स्टेज पे कर्टन यूज़ होता है आजकल, जब हम एनुअल फंक्शन की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें. तो फर्स्टली जब कोई चीज़, कोई सीन या कोई डांस आइटम होती है, उसके बाद एक कर्टन सामने आ जाता है. ओके, सो ये कर्टन, हु इंट्रोड्यूस दैट कर्टन? ग्रीक्स. ओके, दे इंट्रोड्यूस कर्टन ऑन द स्टेज. स्टेज पर जो कर्टन सामने आता है उसे यवनिका कहते थे. एंड द कर्टन इज यूज बाय ग्रीक फर्स्टली. ठीक, वी हैव अडॉप्टेड मैनी वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज लाइक होरा, कलम, सुरंग एट्सेट्रा. हमने ग्रीक लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, डिफरेंट वर्ड्स, होरा, कलम, सुरंग, ये सब चीज़ें हमने ग्रीक लैंग्वेज से अडॉप्ट की हैं. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. एक्सप्लेन ब्रीफली द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रुद्रादमन. रुद्रादमन ने कौन से रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लेकर आए, कौन से चेंजेस किए यहाँ पर. ही इशूड सिल्वर कॉइन्स विच फिगर वॉज इनक्रिप्ट. उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, बनवाए. एंड उन सिल्वर कॉइन्स पर किसकी फिगर इनग्रेव थी? हिज फिगर, बिकॉज ही वॉज द किंग. सो हिज फिगर वॉज इनग्रेव्ड इन दोज कॉइन्स. ओके, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल. हिज पीपल मीन्स जो उसके रीजन में, उसके राज्य में, उसके किंगडम में रहते थे वो लोग. ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प द कॉमन पब्लिक. ओके, ही रिपेयर द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ गुजरात टू प्रोवाइड इरिगेशनल फैसिलिटी टू हेल्प पीपल. व्हाट ही कुड डू, he can repair the lakes or he can construct the roads.
ओके, तो उसने काठियावाड़ एरिया में गुजरात में सुदर्शन लेक है उसे रिपेयर करवाया सो दैट इट कैन बी फिल्ड विद वाटर एंड द वाटर कैन बी यूज फॉर इरीगेशन पर्पस। ठीक है, तो इरीगेशन के लिए ओल्डन टाइम पीरियड में क्या था, रेनफॉल ही सबसे मेन सोर्स था। तो रुद्रा दमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया सो दैट ही कैन ही कुड प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटी। ओके, ताकि वो लोगों को इरीगेशन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड ग्रीक इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ साइंस लिटरेचर एंड आर्ट। द फर्स्ट इज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, देयर सब्जेक्ट्स वर इंडियन बट ग्रीक इन स्टाइल एज वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन कि दे आर सॉरी दे वर मेकिंग द स्कल्पचर ऑफ इंडियन पीपल, वो इंडियन लोगों के स्टैचूज बना रहे थे बट उन्हें बनाने का जो तरीका था जो टेक्निक थी जो उनकी लुक थी इट इज़ ग्रीक स्टाइल। ओके, वेदर इट इज़ हेयर और द फेस, दे इंट्रोड्यूस कर्टन ऑन स्टेज, उन्होंने स्टेज पर कर्टन यूज़ करना स्टार्ट किया। यूज़ ऑफ बर्नट ब्रिक्स ऑल्सो बिकम पॉपुलर, दे स्टार्टेड यूजिंग बर्नट ब्रिक्स, बर्नट मतलब पकाई हुई, हम वी आर यूजिंग बर्नट ब्रिक्स टुडे ऑल्सो, है ना, पकी हुई ईंटों से ही काम करते हैं हम। सो द यूज़ ऑफ बर्नट ब्रिक्स वॉज स्टार्टेड इन द टाइम पीरियड ऑफ ग्रीक्स, मैनी वर्ड्स लाइक होरा कलम सुरंग एटसेट्रा हैड बीन टेकन फ्रॉम देयर लैंग्वेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द कंटेक्ट विद सेंट्रल एशिया इन्फ्लुएंस इंडियन सोशल लाइफ। सेंट्रल एशिया के लोगों से जब हमारा कंटेक्ट आया तो उससे हमारी इंडियन लाइफ भी इन्फ्लुएंस हुई। इन्फ्लुएंस का मीन्स, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना, यानी कि हम पर उनका क्या इम्पैक्ट आया, क्या असर पड़ा। फर्स्ट इज द कुशांस इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ स्टिच्ड क्लोथ, बिफोर दैट वी डिडंट वियर स्टिच्ड क्लोथ, द पीपल ऑफ आवर कंट्री वोर जस्ट साड़ीज एंड धोतीज, दोज आर नॉट स्टिच्ड, अनस्टिच क्लोथ वियर करते थे, बट जब ग्रीक्स इंडिया में आए देन लॉन्ग कोट ट्राउज़र एंड ट्यूनिक्स, ये स्टिच्ड क्लोथ वियर करना स्टार्ट किया हमने भी। दे इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ हेलमेट, हेलमेट का यूज़ करना स्टार्ट हुआ, द नहीं आएगा यहाँ पे, दे आएगा बेटे, तो हेलमेट का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। ओके, फॉर सोल्जर्स एट दैट टाइम देर वर नो व्हीकल्स, तो व्हीकल्स पे हेलमेट नहीं, इट इज़ अबाउट द सोल्जर्स। आपने देखा होगा मूवीज़ में ओल्ड या सीरियल्स में जो आते हैं एंशियंट टाइम के, उनमें जो सोल्जर्स हैं वो एक हेलमेट वियर करके रखते हैं। ओके, तो जो हेलमेट थे वो किसने स्टार्ट करवाए, कुशान ग्रीक्स जब ये इंडिया में आए तो दे स्टार्टेड यूज़ ऑफ हेलमेट। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस आर कॉइनेज, दे इशूड राउंड शेप कॉइन विद द इमेज ऑफ बोथ साइड, उन्होंने राउंड शेप कॉइन बनवाए जिस पर किंग की इमेज होती थी। ओके, दोनों तरफ किंग की इमेज होती थी। दे अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन एंड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, दे सेटल्ड इन इंडिया, they adopted our religion and they become an important part of the society. Next and the last question is why is Kanishka famous in Indian history? He supported Buddhism and follower of Mahayan branch of Buddhism. वो किसे फॉलो करता था, महायान ब्रांच को बुद्धिज्म की,
ही प्रोपोगेटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर्ट साइंस एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को उसने प्रोपोगेट किया, फैलाया, स्प्रेड किया लोगों में। ड्यूरिंग कनिष्का पीरियड देयर वॉज अ पोएट नेम्ड अश्वघोषा। अश्वघोष रोट एन एपिक बुद्ध चरिता इन संस्कृत। अश्वघोष ने एक एपिक, एक लॉन्ग पोएम लिखी ऑन द कैरेक्टर ऑफ बुद्धा, ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, दैट इज कॉल्ड बुद्ध चरिता। ओके, कनिष्का वॉज नोन फॉर फाइन कॉइन्स। कनिष्का ने कॉइन्स भी बनाए, अच्छे कॉइन्स बनाने के लिए उसको जाना जाता है। ही वॉज फेमस फॉर फाइन कॉइन्स। ही स्टार्टेड शक एरा इन 78 CE। शक एरा उसने स्टार्ट किया, इंडियन ईयर कहा जाता है अब उसे। दिस एरा इज़ यूज्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल एरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने शक एरा को इंडियन एरा या नेशनल एरा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आएंगे और आप इसे प्रॉपरली लर्न करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।